अगर इस पे हमने मास्टरी पा ली तो समझो हमने लाइफ पे मास्टरी पा ली. इट इज द गेटवे, द सीक्रेट डोर टू लाइफ, दिस प्रेजेंट मोमेंट. Hey, hi friends, wishing you all a very Merry Christmas and advance mein Happy New Year. Well, coincidentally, 2020 ke beginning mein, ek saal pehle, maine ek vlog upload kiya tha, a family trip to Silvassa. Aur usme maine mention kiya tha ki my new resolution is living life in the moment. Yani, life ko uski totality mein jeena, uski completeness mein jeena. Aur throughout the year 2020, मैंने कोशिश की कि अपने रेजोल्यूशन को अप्लाई करूं और वो एक्सपीरियंस से जो मुझे सीखने को मिला है वो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं. सो आज का हमारा टॉपिक है कि लिविंग इन द मोमेंट क्या है. कि जैसे सागर बूंद बूंद से बनती है, ईच ड्रॉपलेट टुगेदर मेक्स अ सागर, उसी तरह लाइफ जो है वो बनती है एक एक मोमेंट से, जिसे हम कहते हैं पल. हर पल से बनती है जिंदगी. तो हम ये कब कह पाएंगे कि हमने जिंदगी को पूरी तरह से जिया? तभी ना जब हम हर पल को इसकी कंप्लीटनेस में जी सके. अगर हमने हर पल पे मास्टरी पा ली तो क्या हमने लाइफ पे मास्टरी नहीं पा ली? तो कैसे करेंगे? तो उसको समझने के लिए पहले ये समझते हैं कि हमारी लाइफ में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं. सो बेसिकली स्पीकिंग, हमारी लाइफ तीन हिस्सों में बटी हुई है. पहला हिस्सा है पास्ट, भूतकाल. अब सवाल ये उठता है कि पास्ट क्या है? वेल, पास्ट कुछ भी नहीं है बट एक मेमोरी है जो हमारे माइंड में इनग्रेन्ड है, एक ऐसी घटना को लेकर जो हुई और चली गई, अब वो वापस नहीं आने वाली, इसे हम कहते हैं पास्ट. सो 5 मिनट पहले जो पल चला गया वो उतना ही पास्ट है जितना 10 साल पहले का एक पल था जो चला गया. क्योंकि दोनों में फर्क क्या है? दोनों में एक ही चीज तो कॉमन है कि वो पल चला गया और अब वापस नहीं आ सकता और ना ही हम उसमें कुछ छेड़छाड़ कर सकते हैं, ना उसे बदल सकते हैं. तो ये हो गया पास्ट. दूसरा हिस्सा है लाइफ का जिसे हम कहते हैं भविष्य, फ्यूचर. तो ये फ्यूचर क्या है? भविष्य क्या है? भविष्य यानी हमारे मन में जो कल्पना है, जो इमेजिनेशन है कि हमारे भविष्य में ये हो जाए, ये हमारे माइंड में भविष्य के लिए एक प्रोजेक्शन है. और ये प्रोजेक्शन हुआ है किसके बेसिस पर? हमारे पास्ट के बेसिस पर. तो एक तरफ है पास्ट जो चला गया, अब कभी नहीं आएगा, और दूसरी तरफ है भविष्य जो अभी तक हुआ ही नहीं है मगर हमने अपने माइंड में कल्पनाएं गढ़ ली है. सो पास्ट और फ्यूचर दोनों हमारे कंट्रोल में है या नहीं है? नहीं है. तो फिर पास्ट और फ्यूचर को छोड़ के बचता क्या है? जिसकी इन दोनों के बीच में सैंडविच होती है, वो है प्रेजेंट. ये पल, द ईयर एंड नाउ, दिस वेरी मोमेंट इज द प्रेजेंट. अगर इस पे हमने मास्टरी पा ली तो समझो हमने लाइफ पे मास्टरी पा ली. इट इज द गेटवे, the secret door to life, this present moment. Past is something which has occurred and which we cannot change. Future is something which is yet to happen. We cannot control it. Hamare haath mein sirf aur sirf abhi hai, yahan aur abhi. Lekin ek cheez hum realize nahi karte ki jab hum past ke bare mein sochte hain तो उस सोचने में ही हम अपना प्रेजेंट पल नहीं गवा रहे. ठीक उसी तरह जब हम अपने भविष्य के बारे में प्रोजेक्शन करते हैं, सोचते हैं, तो क्या उस सोचने में भी हम अपना
प्रेजेंट नहीं गवा रहे। तो हम ऐसी चीजों के लिए अपना प्रेजेंट गवा रहे हैं जो हमारे हाथ में ही नहीं है। तो व्हाट विल बी अ स्मार्ट वे, लाइफ जीने का स्मार्ट तरीका क्या होगा? स्मार्ट तरीका यह होगा कि हम इस पल को उसकी पूर्णता में जी लें, उसकी टोटालिटी में जी लें। अब सवाल ये उठता है कि हम प्रेजेंट को पूर्णता में कैसे जिए? हाउ डू वी लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट इन टोटालिटी? तो ये टॉपिक बहुत गहरा है, तो इसलिए मैंने सोचा है कि इसके लिए मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊंगा। आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि प्रेजेंट में जीना क्यों इंपॉर्टेंट है। अब अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रेजेंट में किस तरह से जिया जा सकता है, हाउ डू वी लिव इन द मोमेंट। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू ब्रिंग दैट वीडियो टू यू गाइज, एंड आई विल सी यू सून। टेक केयर, बाय बाय।